जय सियाराम, जय हनुमान। स्वागत है आपका आपके अपने श्री राम जी के यूट्यूब चैनल श्री राम जी की कृपा में और साधना मार्ग में। आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताना चाहते हैं और बताने जा रहे हैं कि अपने आप को राम नाम की शक्तियों के साथ कैसे ज्वाइंट किया जाता है, कैसे जोड़ा जाता है, और राम नाम की शक्तियों के प्रभाव से आपके पास अन्य शक्तियां कैसे आने लग जाती हैं, कैसे आपके पास एक घर्षण पैदा हो जाता है। हम देखते होंगे और आप लोगों ने भी देखा है कि जब आप गुड़ को देखते हैं तो जब गुड़ अकेला पड़ा हुआ होता है या धरती पर गिर जाता है तो उसके आसपास कोई नहीं होता, लेकिन उसकी मिठास और उसकी खुशबू इतनी बढ़ जाती है, इतनी फैल जाती है कि कुछ ही समय पर उसके आसपास आकर बहुत सारी चींटियां, बहुत सारे बड़े बड़े जीव, बड़े बड़े छोटे छोटे कीट उस पर आकर लग जाते हैं, उससे चिपट जाते हैं और उसे खाने लगते हैं। उनको कोई बुलाने नहीं गया था, बल्कि वह स्वतः ही चलकर वहां पर आए हुए होते हैं। ऐसा ही राम नाम के जाप के द्वारा होता है। जब आप राम नाम के जाप की साधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जब आपका राम नाम का ऑरा क्रिएट होता है तो उस ऑरे से क्रिएट होने के बाद उसका अट्रैक्शन इतना बढ़ जाता है कि आसपास की जितनी भी पॉजिटिविटी, जितनी भी शक्तियां होती हैं वह स्वतः ही आपके आसपास आकर आपसे लिपटने लगती हैं, आपको प्राप्त होने लगती हैं, बशर्ते आपको लंबे समय तक राम नाम के जाप की आवश्यकता होती है, राम नाम का जाप करना होता है। अब हम आपको बताते हैं कि राम नाम के जाप की शक्तियों से अपना संबंध, अपना कनेक्शन, अपना ज्वाइंट कैसे बनाए। जब आप जाप करें उस समय आपको सबसे पहले तो जाप में खोना है, यानी कि आप जाप को लिखकर करें। लिखकर मतलब अपने ललाट पर, जहां पर सिक्स सेंस होती है वहां पर ऐसा फील करें कि आप राम बोल रहे हैं तो राम वहां पर अंकित भी हो रहा है, लिखा भी जा रहा है। यह एक ध्यान विधि है और ये बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स लाने वाली ध्यान विधि है, जो ध्यान विधि आपको बहुत जल्दी ही सारी शक्तियों से अपने आप को स्थापित करा देगी, यानी सारी शक्तियों को आपसे जोड़ देगी। जब आप ध्यान करें तो उसमें खोने की कोशिश करें और हल्की हल्की जो आवाजें आती हैं ध्यान में, हल्की हल्की आवाजें आती हैं, उन आवाजों को फील करें और उनकी गहराई में उतरने की कोशिश करें। कुछ बातें उसमें पॉजिटिव होती हैं, कुछ बातें उसमें नेगेटिव होती हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आपके अंदर कोई प्रश्न चल रहा होता है उसका आंसर आपको दे देती है और कुछ बातें आपको आपके पथ से भ्रमित करती हैं। तो आपको नेगेटिव चीजों से जुड़ना नहीं है, नेगेटिव बातों को सुनना नहीं है, उनमें आसक्त नहीं होना है, आपको पॉजिटिव चीजों का वो रिस्पॉन्स देना है और अपने आप को इस तरह से फील करना है, आपको इस तरह से अपने मन में सोचना है कि मैं एक बहुत बड़ी दिव्य शक्ति से जुड़ चुका हूं, जो दिव्य शक्ति मेरे चारों ओर फैली हुई है और एक अलग ही प्रकाश पुंज मेरा बन चुका है, मेरा ऑरा इतना मजबूत हो गया है कि आसपास की सारी रिद्धि सिद्धियां मेरे पास आने लगी हैं और मुझे मिलने लगी हैं। इस तरह का आप मन ही मन चिंतन करते रहें जब जाप करें वैसा, क्योंकि जाप के समय जब हमारा अविचेतन मन होता है, अविचेतन मन एक्टिव हो जाता है और ये सारी बातें अविचेतन मन में स्थिर होने लग जाती हैं, अविचेतन मन में भरने लग जाती हैं और ये बातें जब अविचेतन मन की तरफ पहुंचती हैं तो अविचेतन मन का जो कॉन्टेक्ट होता है वो सीधा प्रकृति से होता है, ब्रह्मांड की शक्तियों से होता है। अविचेतन मन जो आपका होता है वह आपके इंस्ट्रक्शन को, आपके संकेतों को, आपकी बातों को प्रकृति से जोड़ देता है, एक तार आपका जुड़ जाता है और अवचेतन मन में जब राम नाम की गूंज होती है तो अवचेतन मन की जो शक्तियां होती हैं वो कई गुना बढ़ जाती हैं और उन शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करने लगती हैं। और जैसा आप सोचने लगते हैं, जैसा आप फील करने लगते हैं, वैसा ही आपके साथ होने लगता है, आप वैसे ही बन जाते हैं। इस विधि को मेडिटेशन में भी कई कई नामों से जाना जाता है। बहुत से लोग इसे कहते हैं फील करो और जो चाहो वो पाओ, बहुत से लोग इसे अन्य अन्य तरीकों से नाम देकर परिभाषित करते हैं, लेकिन ये टेक्निक बहुत ही पावरफुल और शक्तिशाली है। अगर आप इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं तो आप अपना संबंध राम नाम की शक्तियों से बहुत जल्दी स्थापित कर लेंगे और राम नाम से आप जुड़ जाएंगे और जैसे जैसे आप राम नाम की गहराई में उतरते जाएंगे वैसे वैसे आपका जो संबंध है उन शक्तियों से भी
गहरा होता जाएगा, वो शक्तियां भी आपका सहयोग करने लग जाएंगी। धीरे धीरे वो शक्ति आपकी सिक्स सेंस को एक्टिव करेंगे, फिर आपको संकेत मिलने लग जाएंगे, फिर आपको चीजें दिखाई देने लग जाएंगे, फिर किस पर पॉजिटिविटी है, किस पे नेगेटिविटी है, और इसके ऊपर क्या चीज है, किसकी कृपा है, कौन सी तरंग है, वो सारी चीजों को आप उसमें पता कर पाएंगे, आप उसमें जान पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी ही एक ऐसी ही नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय जय हनुमान।